नमस्कार प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आई रुख करते हैं देश दुनिया की सब 100 बड़ी खबरों पर। आसमान में कल नेहगबान तैनात करेगा इसरो जी सेट, एक उपग्रह की लॉन्चिंग का काउंटडाउन हुआ शुरू। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमिहीनों के लिए शुरू की न्याय की योजना, हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी को मिली मंजूरी, कोरोना पर होगा दोहरा वार। सीबीआई ने किया चेन्नई पोस्ट ट्रस्ट से जुड़ी 100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 9 लोगों की गिरफ्तार। राजकुंद्रा की जमानत याचिका का मुंबई पुलिस ने किया विरोध, नीरव मोदी और चौकसी की तरह भागने का है डर। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर हो रहा विचार, नीति आयोग के सदस्य ने दी जानकारी। आरएसएस के सरकारीवाद दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, जब तक समाज में असमानता है तब तक जारी रहना चाहिए आरक्षण। एफसीआई में नियंत्रण से बाहर हो सकता है भ्रष्टाचार, संसद की स्थायी समिति ने जांच के मामले पर जताई चिंता। विपक्षी नेताओं के साथ डिनर के बाद बोले कपिल सिब्बल, हम गांधी परिवार के हैं साथ। कोटा संभाग में भारी बारिश से बर्बाद हुए किसान, 3.66 लाख हेक्टेयर में फसल पानी में डूबी। एयर इंडिया की आइकॉनिक बिल्डिंग खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, एयर इंडिया को दिया 1400 करोड़ का ऑफर। महाराष्ट्र ने केंद्र को दिया जवाब, राजीव गांधी के नाम पर अब आईटी अवार्ड देगी सरकार। कोरोना के घटते संक्रमण के बीच कई राज्यों ने खोले स्कूल, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने कोरोना के प्रभावों से बचाव के लिए गाइडलाइन की साझा। केरल में कोरोना के दोबारा संक्रमण के बड़े केस, केंद्र ने कहा वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप की करे समीक्षा। त्रिपुरा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा का उपहार देगी योगी सरकार, 21 से 22 अगस्त मध्य यात्री तक मिलेगी सुविधा। यूपी में हर शनिवार लगेगी कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 2 डोज, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी मिलेगी सुविधा। तबादलों में गड़बड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा संतोष अग्रवाल निलंबित। यूपी में बाढ़ से हालात चिंताजनक, खतरे के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा और यमुना। अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस ने दी चेतावनी, 2 अक्टूबर तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ तो लेंगे जल समाधि।
कानपुर में एसएनके पान मसाला कंपनी पर जीएसटी का छापा, मालिक निदेशक समेत कई लोग हुए गिरफ्तार। यूपी में मंत्रियों व विधायकों को फ्लैट आवंटन में लागू हो सकता है ग्रेडिंग सिस्टम। लोकलेखा समिति ने राज्य संपत्ति विभाग से पूछे आवंटन के नियम। यूपी में तहसीलों व ब्लॉकों में हो रहे 15 दिन में लगेंगे स्वावलंबन कैंप, सरकारी योजनाओं के समय से मिलेगा लाभ। यूपी में ट्रामा के मरीजों को मिल सकती है बड़ी राहत, 16 जिला अस्पतालों में मिलेगी मुफ्त सीटी स्कैन की सुविधा। आईआईटी बीएचयू के छात्रों को बाजार या शहर में घूमने से मनाही, 16 अगस्त से शुरू होगी पढ़ाई। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, विभागों को जरूरत के हिसाब से दे मंडली कार्यालय में जगह, सुविधाओं को लेकर ली जाएगी समिति। यूपी में खोया जनाधार वापस पाने में जुटी कांग्रेस, भाजपा गति छोड़ो अभियान के बाद अब गांव गांव देगी दस्तक। सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर एक और प्रहार, चकबंदी में गड़बड़ी पर डीडीसी व बंदोबस्त अधिकारी समेत 7 निलंबित। वाराणसी में कोरोना के बाद अब डेंगू का खौफ, बाढ़ और बारिश के बीच जल जमाव से बड़ा खतरा। अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों के घर खुद जाकर सम्मानित करेंगे मजिस्ट्रेट, पूर्व की परंपरा पर डीएम की रोक। अलीगढ़ में एडीजी ने पुलिसकर्मियों से की मुलाकात, ऑपरेशन साइलेंस की अधिकारियों की थी तारीफ। औरैया में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा, कांग्रेसियों ने पैदल मार्च कर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। आजमगढ़ में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर, तटीय इलाकों में डीएम ने किया निरीक्षण। फतेहपुर में इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, बदमाश पर पुलिस ने लिया एक्शन। फतेहपुर में गांव में महीनों तक नहीं हुई सफाई, सिर्फ कागजों में हो रहा है सफाई का काम, ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। फतेहपुर में सरकार को हराने की कांग्रेसियों ने कसी कमर, कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से ही कहा सुनी, धक्का मुक्की का वीडियो आया सामने। कौशाम्बी में कॉलेज के पास अज्ञात युवक का शव बरामद, पुलिस ने शव को जांच के लिए भेजा। कुशीनगर में एपीओ की गाड़ी घर में घुसी, घटना में 3 महिलाओं की हुई घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में अचानक पेड़ के गिरने से हुआ हादसा, प्रधान पहित सहित 3 लोग हुए घायल। लखनऊ में बालू अड्डे के पास गंदे पानी से बुरा हाल, गंदे पानी की वजह से कई लोग हुए बीमार, गंदा पानी पीने से मजबूर हुए लोग। मैनपुरी में वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, बिना वैक्सीनेशन ही जारी किए गए कार्ड।
मुरादाबाद में कार्यक्रम में शामिल हुए राशिद अलवी, राशिद अलवी ने सरकार पर किया वार। रायबरेली में बदमाशों के हौसले फिर से बुलंद, नकाबपोश लोगों ने लूट को दिया अंजाम। सीतापुर में साइकिल सवार की हुई हत्या, पुलिस ने दिए जांच के आदेश, हत्या के इलाके से दहशत में माहौल। आगरा में दबंगों ने किया पत्रकार पर हमला, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। फतेहपुर में राज्य कारागार मंत्री ने किया दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाके का लिया जायजा, मौके पर एसडीएम रहे मौजूद। फिरोजाबाद में दबंगों ने की बाबा और उसकी पत्नी की पिटाई, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बस, सड़क हादसे में 12 से अधिक लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में लूट और डकैती का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से कई कीमती सामान हुए बरामद। संभल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, पुलिस ने कई आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 14 मोटरसाइकिलें बरामद। कानपुर देहात में यमुना का जलस्तर बढ़ा, लोगों को हो रही काफी समस्याएं, डीएम ने लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा को दिया झटका, 26 सदस्यों ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। चमोली में भारी बारिश के चलते छिन गया आशियाना, प्रशासन ने सहायता का दिया आश्वासन। पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय ने बुलाई बैठक, परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। हरीश रावत ने चलाया इमोशनल कार्ड, भाजपा ने कसा तंज। रक्षाबंधन पर सरकार की सौगात, 2.5 लाख महिलाओं को मिलेगी मदद। भगवानपुर में सुपर शाइन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से फैक्ट्री जलकर हुई राख। चमोली में नवयुवक डीएम ने कोरोना से निपटने की बताई रणनीति, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की है प्राथमिकता। चमोली में पिंडर नदी में गिरा पहाड़ का बड़ा टुकड़ा, पत्थर गिरने से नदी का बहाव हुआ बंद, पानी रुकने से ग्रामीणों में फैली दहशत। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम का बयान, पुरोहितों के साथ सरकार करेगी न्याय, सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाने का दिया भरोसा। आशा किरण सेवाश्रम को लेकर हाई कोर्ट का आदेश, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया दौरा।
रुड़की में अस्पताल में दबंगों ने की जमकर तोड़फोड़, बकाया पैसे को लेकर अस्पताल में हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। विकास नगर ब्रिगेड ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, एसडीएम को दिया सीएम का नाम का संबोधित ज्ञापन, चक्राता आरक्षण को लेकर गरमाया मुद्दा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा बोल्डर, बोल्डर गिरने से आवागमन हुआ पूरी तरह बंद, सड़कों से मलबा हटाने में जुटी थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच अमेरिका ने इजराइल को द नॉट ट्रैवल लिस्ट में किया शामिल। अफगानिस्तान के सैनिकों व नेताओं को बाइडेन ने दी सलाह, अपने लिए खुद करनी होगी लड़ाई। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में आतंकवाद के निरोधी दस्ते ने 5 आतंकी किए ढेर, आतंकी हमले की बना रहे थे योजना। सऊदी अरब के उमराह के लिए पाकिस्तान समेत 9 देशों को रेड सिग्नल, ब्रिटेन के रेड लिस्ट में डालने से भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिना कोविड टीकाकरण वाले लोगों पर ट्रेन यात्रा पर लगेगा प्रतिबंध। तालिबान के खिलाफ महिला गवर्नर माजरी ने बनाई अपनी फौज, सेना में शामिल हुए मजदूर और गडरिये। बूंद बूंद पानी को मोहताज, पाकिस्तान के कई शहर झेलना पड़ सकता है सूखा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। अफगानिस्तान की 6 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा, भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया वापस। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने खोली पीएम इमरान खान और सेना की पोल, कहा देश के नाम के लिए है लोकतंत्र। चीनी अदालत ने खारिज की कनाडाई नागरिक की अपील, ड्रग्स मामले में मिली है मौत की सजा। अफगान हिंसा से चिंतित चीन को रूस के साथ युद्धाभ्यास, शिनजियांग में तालिबान की घुसपैठ का है डर। अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी, बंद करे आतंकियों के घुसने के रास्ते। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान की आवाज, यूएन के वियना ऑफिस के सामने लगाई गुहार। तालिबान ने मजारे शरीफ को चारों तरफ से घेरा, भीषण संघर्ष, अपने नागरिकों को निकलने के लिए भारत ने भेजा विमान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर दिया बहान, कहा चाइना के बारे में उठते हर सवाल का एकमात्र जवाब है भारत। भारत के बनाए हाईवे पर तालिबान का कब्जा, पाकिस्तान ने मदद के लिए भेजे लड़ाके। अमेरिका पर भड़की किम जोंग उन की बहन, किम जोंग कहा कोरियाई प्रायद्वीप पर यूएस और दक्षिण कोरिया का युद्धाभ्यास है, परमाणु हमले की है तैयारी। चीन ने यूएस पर लगाया महामारी का सबसे खराब प्रबंधन का आरोप, ज्वाइंट स्टडी में कहा अमेरिका एक हारा हुआ देश है और वायरस का आउटब्रेक यहीं से होने का जताया संदेश।
जर्मनी में अक्टूबर को बंद हो सकते हैं फ्री कोरोना टेस्ट, इसको लेकर चांसलर एंजेला मार्केल और राज्यों के प्रमुख करेंगे बैठक। भारत और सऊदी अरब की नौसेना पहली बार करेगी युद्धाभ्यास, पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। ई कॉमर्स कंपनियों से छोटे कारोबारियों को नुकसान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सख्ती के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। मोदी सरकार अब नैनो यूरिया खाद का अमेरिकी यूरोप समेत कई देशों को करेगी निर्यात। अगस्त 2021 के आखिर में होगी जीएसटी काउंसिलिंग की अभी बैठक, बढ़ाई जा सकती है राज्यों के मुआवजे की अवधि। गूगल के कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका, वर्क फ्रॉम होम करने वालों की कटेगी सैलरी, कंपनी ने जारी किया नया पे कैलकुलेटर। एटीएम में खत्म हुआ कैश तो बैंकों पर लगेगी पेनल्टी, आरबीआई ने जारी किया आदेश, 10,000 रुपए तक लगेगा जुर्माना। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, इंग्लैंड की टीम में शामिल हुआ कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन मोइन अली। इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका, लाइव टेस्ट से पहले सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राइट चोटिल, ऐसे में उनकी जगह तेज गेंदबाज मार्क वुड को भारत के खिलाफ उतारा जा सकता है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में बड़ा फैसला, देश में हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा जैवलिन थ्रो डे, युवाओं को खेल से जोड़ने की जाएगी कोशिश। एनसीए क्रिकेट हेड के लिए बीसीसीआई ने मांगा आवेदन, भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कामरान अकमल ने उगला जहर, भारत पर दिया बड़ा बयान, कश्मीर प्रीमियर लीग पर दिया विवादित बयान। हंसल मेहता की अपकमिंग फिल्म में पहली बार साथ नजर आएंगे प्रतीक गांधी और खुशाली कुमार, इस फैमिली ड्रामा फिल्म को पुलकित के द्वारा किया जाएगा निर्देशन। भंसाली की हीरा मंडी में फ्री में काम करने को तैयार है आलिया भट्ट, हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी निभा रही है मुख्य भूमिका। कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन 23 अगस्त से सोनी टीवी पर टेलीकास्ट शुरू हो रहा है, अमिताभ बच्चन इस बार भी शो की करेंगे मेजबानी। आमिर खान ने श्रीनगर में पूरी की लाल सिंह चड्डा फिल्म की शूटिंग, कारगिल के डीएम ने बताया आमिर खान ने कारगिल में बनवाई 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क। टैलेंट हंट शो को जज करेंगे निदेशक हंसल मेहता, विजेताओं को वेब सीरीज में काम करने का मिलेगा मौका। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।